वेलकम टू सलमान एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पास्कल लॉ, और आज की वीडियो में आपको काफी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा पास्कल लॉ है क्या, और हम काफी सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ salmanacademy.com, जो मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे फिजिक्स के टैब के अंदर आपको पास्कल लॉ लिख के सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो और इससे रिलेटेड टेक्स्ट मटेरियल आपके सामने आ जाएगा। ओके जनाब, आपने इस टाइप की मशीन अक्सर बेशक अपनी लाइफ में देखी होंगी। ये तमाम मशीन कहलाती हैं हाइड्रोलिक मशीन, और इन सब का काम क्या है? इन सब का काम ये है कि ये कम फोर्स अप्लाई करके हैवी बॉडीज उठाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। कार वॉश में गाड़ी को उठाने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा, गाड़ी के मेंटेनेंस या टायर चेंज करने वहां पर ये मशीन इस्तेमाल, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। सफाई वगैरह के लिए आदमियों को ऊपर 3-4 बंदे लेके ये पूरा ऊपर मशीन उठा लेती है, ये भी हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाती है। इन तमाम मशीनों की एक खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये तमाम मशीन्स कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा हैवी बॉडीज को ऊपर उठाने में काम मदद करती हैं आपको, ये सही है। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। अब इनको हाइड्रोलिक मशीन कहते क्यों हैं और ये किस रूल पे काम करती हैं, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पास्कल लॉ को समझने के लिए आप सबसे पहले समझें फ्लूइड क्या चीज है। फ्लूइड हर उस मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हो। नंबर वन, वो फ्लो कर सकता है। फ्लो करने से मुराद ये कि वो हायर लेवल से लेके लोअर लेवल पे फ्लो कर सकता है। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी ये फ्लूड है, इसको किसी हायर सरफेस पे तो फ्लो करता हुआ नीचे आ जाएगा। नंबर टू, फ्लूड जो है जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। मिसाल के तौर पर पानी है, इसको आप किसी गिलास में डाल दो गिलास जैसा हो जाता है, जग में डाल दो जग के जैसा हो जाता है, यानी उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है ये। नंबर थ्री, फ्लूड की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जब फ्लूड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए उस फोर्स को इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देता है। ये ही थर्ड प्रॉपर्टी जो है पास्कल लॉ कहलाती है। ये मैं आगे अभी आपको थोड़ा सा आपको बताता हूं मैं आपको। अच्छा, पहली दो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दी, पानी फ्लूड है आपके पास, हनी भी हो सकता है शहद यानी, और इसके अलावा ऑयल भी हो सकता है। ये सारी क्या है, फ्लूड की एग्जाम्पल है। सॉलिड जो है ये फ्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड फ्लो करने की सलाहियत नहीं रखता। सॉलिड जिस कंटेनर में डालो, मिसाल के तौर पर देखो सॉलिड ये स्टोन रखे हैं, पत्थर रखे हुए मैंने, तो ये अपनी शेप उन्होंने कंटिन्यू रखी है, बरकरार रखी हुई है। ये देखें यहाँ पे स्पेस है, यानी हर पत्थर अपनी शेप को कंटिन्यू रखता है, चेंज नहीं करता, तो ये फ्लूड नहीं है। तो फ्लूड की डेफिनेशन के अंदर वो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। थर्ड प्रॉपर्टी जो थी फ्लूड की, कि भाई वो जो फोर्स अप्लाई की जाए इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं ये पास्कल लॉ है, यानी पास्कल लॉ इसी प्रॉपर्टी का नाम है। क्या पढ़ेंगे इसको हम? प्रेशर अप्लाई टू अ फ्लूड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस बात को समझने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एक बर्तन है जो हर जगह से बने, ऊपर से खाली इसकी ओपनिंग खुली हुई है, उसके अंदर आपने कोई फ्लूड यानी कोई पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया या हनी कुछ भी आपने डाल दिया, ऊपर से पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन क्या होती है, बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता। देखिए, पिस्टन समझने के लिए ये जो आपने सिरिंज देखी होगी सिरिंज में ब्लैक कलर का जो होता है ना, ये बेसिकली पिस्टन होता है। ये पिस्टन किस तरीके का होता है, आप देखो जब आप इसको ऊपर खींचते हो तो यहां से पानी सिरिंज के अंदर भर जाता है, भरने के बाद यहां पर अपनी उंगली लगा दो और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो। जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या ब्लैक वाला नीचे फ्लो आएगा? थोड़ा सा नीचे तो आएगा, लेकिन एक लेवल तक जब देखेगा यहां पर पानी आगे निकलने की जगह है नहीं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते रहोगे पानी आगे से निकलेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, मूव। कभी ऐसा आपने देखा है कि हाँ भाई ये ब्लैक पानी साइडों से निकल के ऊपर आना शुरू हो जाए? नहीं होता। तो ये पिस्टन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ये प्रेस करने के लिए या सक करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो इसी टाइप का पिस्टन आपने यहाँ पे ढक्कन यानी ये ओपनिंग है जहां पे कैप जहां पे लगा होता है यहाँ पे आपने ये लगा दिया। अब देखो, अब आप यहां से इसको प्रेस कर दो, एक हद तक ये नीचे प्रेस होगा। प्रेस होने के बाद जब एक हद तक प्रेस हो जाएगा फिर आगे प्रेस नहीं हो पाएगी, लेकिन आप फोर्स बाहर ऊपर से फोर्स लगा के रखोगे। ऊपर से जब आपने फोर्स ऊपर से लगा के रखी हुई है, अब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दो। यकीन है ये पिस्टन जो नीचे जाके किसी लिक्विड से टकरा रहा होगा। लिक्विड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, लेट्स सपोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मॉलिक्यूल लेट्स सपोज नीचे यहाँ पे इसके लिक्विड से टकरा रहे हैं, और लिक्विड जो है इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेट्स सपोज 20 पास्कल का प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, अब सुनो जरा गौर से। ये जो 20 पास्कल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हर मॉलिक्यूल के ऊपर 20 पास्कल अप्लाई हो रहा है, ये 20 पास्कल अगले मॉलिक्यूल पर मुंतकिल होगा। अगले मॉलिक्यूल यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल हैं सब पे 20 पास्कल अप्लाई होगा, और जितने मॉलिक्यूल कंटेनर के साइडों से जा जाकर टकरा रहे हैं हर मॉलिक्यूल 20 पास्कल का प्रेशर अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा
कि आपने यहां से टोटल 20 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया हुआ हो और ये प्रेशर तमाम मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हर मॉलिक्यूल जो पीछे से जितना प्रेशर आ रहा है, हर मॉलिक्यूल सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड जो है एज ए फोर्स या प्रेशर मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, आपको थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूं। अच्छा, और ये जो प्रेशर मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसको हम इसी चीज को हम कहते हैं कि भाई आपने कम फोर्स यहां से अप्लाई की और यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है साइडों के ऊपर, सही है। खुद सोचो, यहाँ पे 20 पास्कल आपने अप्लाई की, यहाँ पे ये भी 20 लगा रहा है, यहाँ 20 लगा रहा है, यहाँ 20 लगा रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 8 मॉलिक्यूल है नीचे, लेकिन इस पूरी पट्टी के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, कम से कम भी 20 से 25 के करीब, 20 से 25 के मॉलिक्यूल होंगे। वो सारे के सारे 20 पास्कल की प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो इससे ज्यादा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो इससे ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या, ये पूरे ओवरऑल सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूड जो है बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करता है। जितना प्रेशर इसके ऊपर लगता है वो प्रेशर सेम प्रेशर इक्वली हर जगह पे वो सेम प्रेशर ट्रांसमिट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है पास्कल लॉ का। और वो मशीन्स जो इस फ्लूड की इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती हैं, उन मशीन्स को हम कहते हैं ये हाइड्रोलिक मशीन्स हैं या हाइड्रोलिक सिस्टम है। अब ये काम कैसे करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर गौर से सुनना। एक कंटेनर आपके सामने यहां पर मौजूद है, इस कंटेनर के अंदर यहां पे नीचे फ्लूड आपने भरा हुआ है, यहां पे आपने एक पिस्टन लगाया छोटा, यहां पे पिस्टन लगाया आपने एक बड़ा, आपने यहां से कोई फोर्स अप्लाई की, तो वो फोर्स सेम फोर्स यहां पर अप्लाई, यहां पर मॉलिक्यूल अप्लाई हुई, यहां पर लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल लेट सपोज नीचे मौजूद है, यहां पर 8 मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है, उन पे सेम फोर्स लेट्स सपोज यहां पे 5 न्यूटन की फोर्स आपने F1 पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। अब मॉलिक्यूल यहां पे टकरा रहे हैं, यहां पे टकरा रहे हैं, यहां पे टकरा रहे हैं, हर जगह पे मॉलिक्यूल पानी के टकरा रहे होंगे ना, नीचे भी सरफेस पे टकरा रहे हैं, ऊपर भी टकरा रहे हैं, यहां पे भी टकरा रहे हैं, यहां पे भी टकरा रहे हैं, और जो ये बड़ा वाला पिस्टन है यहां पे भी, यहां हर जगह पे मॉलिक्यूल आके टकरा रहे हैं। तो आपको सोचो, ये जो साइड की बाउंड्री है ये तो मूव नहीं कर सकती, ये साइड की बाउंड्री है ये भी मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये पिस्टन का काम तो मूव करना है, ये ऊपर मूव करेगा। जब आप नीचे फोर्स अप्लाई करोगे उसका मतलब कि हर मॉलिक्यूल पर 5 5 5 न्यूटन, तो लेट सपोज आपके यहाँ पे हर मॉलिक्यूल 5 5 न्यूटन उसके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे तो 8 से ज्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम से कम भी यहाँ पे यहाँ से पट्टी के अंदर तकरीबन ये पूरी लाइन के अंदर 30 40 मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे फोर्स अप्लाई करोगे, हर मॉलिक्यूल 5 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पिस्टन के ऊपर ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई हैवी बॉडी रखती जाए तो कम फोर्स अप्लाई करके आप उस हैवी बॉडी को ऊपर उठा सकते हो। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप अगर मैथमेटिकली देखना चाहो वो इस तरह देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जितना प्रेशर P1 अप्लाई होगा उतना ही प्रेशर P2 पे यहाँ पे भी लास्ट में भी अप्लाई होगा। इसको आप कह सकते हो F1 upon A1, क्योंकि आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो इसका मतलब P1 बराबर F1 upon A1 के, F1 upon A1 के, और P2 यहाँ इस पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है F2 upon A2 के, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे F2 बराबर हो जाएगा F1 A2 / A1 के। अब सर एक न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करते हैं, मिसाल के तौर पर इस टाइप की एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसके आप ऊपर आप F1 यानी फोर्स 1 आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज 5 न्यूटन, और उसका जो एरिया है वो कितना है, 2 मीटर² का एरिया है, सही है। अब उसी मशीन के अंदर आपने आगे बड़ा पिस्टन लगाया हुआ है, उसके नीचे ज्यादा फ्लूड आगे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो एरिया कितना है, वो एरिया 10 मीटर² का, सही है, बड़ा एरिया ना, ये 2 मीटर² था, ये 10 मीटर² का एरिया। यहाँ पे लगने वाली फोर्स आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे F1 की जगह पे आप रखोगे 5, A2 की जगह पे आप रखोगे कितना 10, 5 × 10 कितना हो गया 50, डिवाइडेड बाय A1 कितना है 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 25, यानी कि फोर्स टू ऊपर धक्का दे रही है वो कितनी है 25 न्यूटन। अप्लाई आपने कितनी की 5 न्यूटन की, और आपको जो जवाब में दूसरी साइड पे जो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है वो 25 न्यूटन हो रही है, यानी ये मशीन जो है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप हैवी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए आप लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो आपने मेटीरियल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया दैट इज द फ्लूड। फ्लूड जो है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करता है, और यही बेसिकली आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट की एग्जाम्पल है।
यह हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, यानी एक इंसान जो है अपनी वेट की मदद से गाड़ी भी ऊपर मूव करवा सकता है। ये बेसिक फंक्शन है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट का या हाइड्रोलिक जैक का, जो कि आपके पास वो गाड़ी की जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया पंचर वाले आने के लिए गाड़ी को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। आराम से एक बंदा हाथ से उसको दबाता है, पूरी गाड़ी ऊपर उड़ जाती है। यही काम आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, आपकी गाड़ी के अंदर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक लगा हुआ होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, आपके पांव के पास जो ब्रेक का पैडल होता है उस पर जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक छोटा पिस्टन होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये ऑयल को प्रेस करता है। ये ऑयल प्रेस होने के बाद आपने जितनी फोर्स अप्लाई की वही सेम फोर्स यहाँ पे मौजूद मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई हो रही है, सही है, वही फोर्स इस पाइप के अंदर जाएगी। पाइप तो जाहिर सी बात है मजबूत बनाती है, फटने ये इसको मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये यही सेम फोर्स यहाँ पे आके ये बड़े पिस्टन लगे होते हैं। यहाँ पे देखो ज्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा एरिया है, सही है। यानी सेकंड पिस्टन जहां से आपने काम लेना हो तो उसको बड़ा रखते हो तो ताकि यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो, यहाँ पे आपने कम फोर्स अप्लाई की यानी यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स मल्टीप्लाई होकर मिल गई। तो ये गाड़ी को ब्रेक लाने के लिए हर व्हील के अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, जो कि जब ये आप फोर्स अप्लाई करते हो तो यहाँ से ये पिस्टन मूव करते हैं और यहाँ पे ब्रेक शू लगे हुए होते हैं जो गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के अंदर फ्रिक्शन पैदा करते हैं और गाड़ी आपके पास रुक जाती है। ये वर्किंग है आपका ब्रेक सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम आपका इस तरह काम करता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इसको एक दफा दोबारा सुन लेना, और आपने प्रेशर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके salmanacademy.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे आप ये फिजिक्स के टैब में लिख के राइट पे सर्च करोगे ना, यहाँ पे भी लिख दोगे आप लोग तो यहाँ पे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।